हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, नया क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं। बोल्ड करने के लिए सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस करना है तो बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसके यानी कि टोमेटो सॉस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करानी है। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको एक ब्लैंक रो दिखाई पड़ जाती है और फिर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अगर आप शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। तो इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, इस रो को केवल सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपके आपके कर्सर का स्टाइल जब इस तरीके का हो जाए तो आपको क्या करना है, अगर आपको नीचे रो इंसर्ट करानी है तो नीचे की तरफ ड्रैग करना है माउस को। माउस से आप ड्रैग करिए नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ रो चाहिए तो आप ऊपर की तरफ ड्रैग करिए, ठीक है। तो हमें दो रो नीचे की तरफ चाहिए तो हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं कि दो रो इंसर्ट हो गई हैं। अगर आपको यही काम ऊपर की तरफ करना है तो उस रो को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये है ना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने। और शिफ्ट बटन आपको प्रेस करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए। और शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इस तरह का जब स्टाइल हो जाए तो यहाँ पे दो बार ऊपर की तरफ आप जाइए। तो यहाँ ऊपर जो है फॉर्चून, चूंकि मैंने सेलेक्ट किया था तो ऊपर की तरफ दो रो इंसर्ट हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।